हेलो, गुड आफ्टरनून, प्रणाम पहलाग और नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज है मंडे और आप सोचेंगे आजकल चश्मा क्यों लग रहा है फेस पे, क्योंकि ना अब टीवी चलाने लगी। मैं टीवी में कोई सीरियल वगैरह नहीं देखती अब, मैं अपने ब्लॉग जितनों के भी देखने होते हैं ना, वो मैं टीवी में देखती हूँ। पहले मानू के चक्कर में नहीं चलाती थी मैं, अब एग्ज़ाम हो गया तो कुछ है नहीं तो उसी में आराम से चला देती हूँ ब्लॉग, देखती रहती हूँ, कान से सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। तो इसलिए, और फिर बिना चश्मे के मुझे दिखता नहीं है, मेरी आईज बहुत वीक है। तो मानू पार्क में गई थी, आ गई, वो नहाने जग गई है, मैंने चावल चढ़ा रखे हैं और मेरे पता नहीं आज कपड़ों के आइटम इतने हो गए कि मैं क्या बताऊं जो है। और मैं लेकर आई थी कल लाल मिर्च, उसको भी धो दिया मैंने, अभी धूप में रखूंगी, सुबह रख दी थी, बहुत तेज़ धूप है, बिल्कुल सिकुड़ जाती। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, है मेरे वो कपड़े जो कलर नहीं छोड़ते, ठीक है। देखो ये सलवार मेरा कलर छोड़ती, ग्रीन कुर्ती मेरी कलर छोड़ती, मानू की ये व्हाइट फ्रॉक में जो ब्लू हिस्सा है वो कलर छोड़ता है, और तो और मेरे शॉल और इस स्वेटर ने तक कलर छोड़ा। ये स्वेटर मेरी फर्स्ट टाइम धुली, और ये मानू की व्हाइट और मेरी ये पिंक कुर्ती, ये कलर नहीं छोड़ते। तो ये मेरे ड्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको ड्राई करूँगी बारी बारी से, यानी 1 2 3 4 5 बार ड्रायर, और मुझे घुमाना देख लो। ये देखिए 1.5 किलो है ये लाल मिर्ची, अभी बस इनको धो दिया, निथर गई हैं, और अब मैं इनको धूप में रख देती हूँ। तो मेरे मानो के स्कूल हो जाए व्हाइट वाले ना। वैसे इतना कलर ये शॉर्ट छोड़ नहीं रही है, तो बैकग्राउंड की साउंड इग्नोर मारिए। और मेरे सोने सजन आ गए हैं घर में और लाए हैं बहुत सारी चीज़ें, दिखाती हूँ आपको। अभी भी चल रही है और ये मचाया है मैंने ढेर अपने पति के लिए कपड़ों का। और मेरा सोना सजन क्या लाया, मेरा सोना सजन लाया 3 किलो दुद्धू, दुद्धू मानू दुद्धू बोलती ना। ये है मेरी गुजिया और अचार का सामान, और मेरा सोना सजन लाया है अजवाइन और आज मुझे अचार भी डालना है, गुजिया तो बहुत है अजवाइन। मानो पापा जब फ्रेश अचार डालते हैं ना, फ्रेश डालना पड़ता है, वो सी बहुत पुराना है, वो ख़राब होने की कगार में, वो ख़राब हो में सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो ये देखो, तो सोना सजन हल्दी भी लाया है, मेरा सोना सजन अब मिर्ची सुखाएगा। ये देखो मेरा सोना सजन, तभी मैं सुबह कपड़े धो देती हूँ, पता है लेकिन ना कल मैं मार्केट से आई, मुझे इतना कमर में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, मैंने रात को मशीन नहीं चलाई, अभी चलाई है मैंने, और हाथ से ज़्यादा धोए, मशीन से तो कम ही धुले। ये टी शर्ट हाँ, मैंने इसलिए धोई क्योंकि इसमें मानू ने एक मार्कर से रंग नहीं लगा दिया था यहाँ पे, देखो अभी भी हल्का सा निशान है यहाँ पे, तो तुम पहनते ही नहीं, स्पॉट इतना गंदा लग रहा था, मैंने दोबारा धो दी। कैसी बीबी हूँ मैं, ये देखो मेरा बच्चा। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। ये देखिए जो मैंने कपड़े धोए थे, ये मानू ने निकाल के दे दिए और ऐसे फेंक के गई, और ये मुझे अभी फोल्ड करने हैं, और मैं बनाने जा रही हूँ अचार। तो पहले मैं मसाला भून लेती हूँ, बहुत आलस आ रहा है, बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है, फिर खाना भी बनाना है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, या तो मिक्स वेज बनाऊँगी या दम आलू बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि सब्जी कुछ है नहीं दम आलू के अलावा, और वो भी अभी मार्केट गए हैं, तो आए वहाँ से 6:30 बजे और वो सीधे मार्केट चले गए, और क्या लेने गए वो, बस बना रही हूँ पहले मानू के लिए दूध, बिना बहुत बीटा के तो इसके गले में दूध नहीं जाता बिल्कुल, क्योंकि ब्राउन ब्राउन बना के दो। तो यहाँ पे उबल रहा है मेरा दूध, इसका बनाना है मैंने खोया, और यहाँ पे उबल रहा है मेरा, नहीं ये उबल नहीं था, ये भुन रहा है, तो यहाँ पे मैं मसाला भुन रही हूँ, मेथी, अजवाइन, सरसों, धनिया, सौंफ, मेथी, दूध। तो यहाँ हो रहा है मेरा तेल गरम, तो बस मेरे मसाले ठंडे होने ही वाले हैं, जैसे ही ठंडे होंगे मैं इनको पीस लूँगी, और तब तक फिर तेल गरम करने रखा है, जब तक मैं पीसूँगी तेल गरम हो जाएगा, फिर थोड़ी देर तेल ठंडा होने दूँगी, फिर तब तक मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। भूल गई थी वो था जीरा, फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने जीरा तो भुना ही नहीं, थैंक गॉड याद आ गया, बनाया मेन तो मेरा जीरा रह जाता, उसका टेस्ट तो सबसे अच्छा औसम लगता मुझे हर चीज़ में, तो मैं पीसने लग गई हूँ, ये देखिए। तो बस वो मार्केट से अभी तक नहीं आए।
मसाला मिक्स, ये देखो मेरी मिर्ची और ये रहा मेरा मसाला और ये देखिए लाल मिर्च और ये हल्दी और ये अमचूर पाउडर और वेनेगर उधर रखा है। तो देखो दोस्तों मैं इसमें लगा रही हूँ जीरे मिर्ची में और मैंने इतना लगा भी दिया ये देखिए। तो यहाँ पे मैं मिर्ची में मसाला भरने लग गई और पता है मैंने यहाँ पे 6-7 मिर्ची भरने के बाद मुझे अचानक से याद आया यार मैंने तो इसमें वेनेगर मिलाया ही नहीं, वापस से खाली करके फिर से वेनेगर मिला के मैंने फिर दोबारा भरा था इसमें मसाला और वो क्लिप मैंने काट दिया या फिर आ गया है मुझे पता नहीं, बस मैंने ऐसा किया था और फिर फटाफट मैंने भरा और मुझे इतना आलस आ रहा था करने, पता नहीं कभी कभी होता है ना ऐसा कि बॉडी आपका साथ नहीं देती है, बिल्कुल थकी थकी सी रहती है बेवजह, और ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था ये बिल्कुल भी मतलब एक तो ये भी नहीं थे तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा था उस दिन। तो मैं टीवी देखते देखते मसाला भी भरते जा रही हूँ, टीवी में तो मैं सिर्फ ब्लॉग देखती हूँ, तो व्लॉग भी लगा रखा था मुझे याद नहीं किसका व्लॉग चल रहा था बट मैं व्लॉग देखते देखते अपना मसाला भर रही थी और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मेरे को इसमें ऊपर से भरना था बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए मैंने बीच में से चीरा लगा के भरा है, तो ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। और फिर मैंने फटाफट भर दिया और नेक्स्ट डे फिर मैंने तेल भी डाला इसमें, अभी तो मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला है इसमें। तो मेरा एक डब्बा हो गया है और अभी भी मेरी मिर्चें हैं थोड़ी बहुत, अब मैं ये देखिए दूसरा डब्बा अभी इसमें भर के रखूँगी मैं, तब नहीं मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है आज, कमर में मेरी कली से दर्द था मार्केट से आने से अब तो ज़्यादा ही हो गया। ओके तो दोस्तों अब मेरा चार बचार बन गया, मैंने खाना वाना कुछ नहीं दिखाया लोगों को और आप सोचोगे अभी तक तो लिपस्टिक नहीं थी, एक्चुअली मैंने ना वीडियो बनाई थी तो इसलिए मैंने लिपस्टिक लगाई थी रील्स मतलब। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और आपसे मैं मिलूँ कल नए दिन के साथ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।